इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एयर पोल्यूशन के दौरान आप कैसे बुजुर्गों का ख्याल रख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर संदीप नायर, जो कि प्रिंसिपल डायरेक्टर एंड एचओडी हैं ऑफ पल्मोनोलॉजी एट बीएलके मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इनका ये कहना है कि नंबर वन, इंकरेज करें इंडोर स्टे, एडवाइस करें एल्डरली को कि वो इंडोर्स रहें एज मच एज पॉसिबल टू अवॉइड एक्सपोजर टू हार्मफुल पोल्यूटेंट्स। इंडोर स्पेसेस में जनरली बेटर एयर क्वालिटी होता है जो रिड्यूस करता है द रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी इश्यूज। दूसरा है कि प्रोटेक्टिव मेजर्स यूज करें, अगर आप वेंचर आउट कर रहे हो इफ नेसेसरी तो इंश्योर करें कि ये अप्रोप्रिएटली प्रोटेक्टेड हो। इंकरेज करें लोगों को कि वो फेस मास्क पहने टू फिल्टर आउट पोल्यूटेंट्स, ताकि वो खुद को कवर कर पाए एडिक्वेटली और लिमिट करें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पोल्यूटेड एयर। तीसरा है कि टाइमिंग, जो कि काफी मैटर करता है, डिस्करेज करें अर्ली मॉर्निंग वॉक्स और आउटडोर एक्सरसाइज, अर्ली इन द मॉर्निंग और लेट इन द इवनिंग। ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटीज इंडिविजुअल्स जो हैं वो ब्रीथ करते हैं मोर रैपिडली एंड मोर डीपली, जो इंक्रीज करता है द इनटेक ऑफ हार्मफुल एयर पोल्यूटेंट्स। आप ऑप्ट कर सकते हैं फॉर इंडोर एक्सरसाइज रूटीन्स इंस्टेड। उसके बाद आता है इंडोर एयर क्वालिटी, मेंटेन करें क्लीन इंडोर एयर बाय कीपिंग द रूम क्लीन एंड इंश्योरिंग कि विंडोज और डोर जो है वो रिमेन हुए क्लोज्ड टू प्रिवेंट आउटडोर पोल्यूटेंट्स फ्रॉम एंटरिंग। कंसिडर करें यूजिंग एन एयर प्योरीफायर विद द अप्रोप्रिएट फिल्ट्रेशन सिस्टम, ताकि ये फर्दर इंप्रूव करें इंडोर एयर क्वालिटी को। फिर आता है प्रिवेंटिंग इंडोर पोल्यूशन, यूज करें, अवॉइड करें द यूज ऑफ कैंडल्स, इंसेंस स्टिक्स और एनी अदर सोर्सेज ऑफ इंडोर पोल्यूशन। ये रिलीज करते हैं पार्टिकुलेट मैटर एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू द एयर, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी इश्यूज जो है वो ज्यादा हो सकता है। हेल्दी डाइट एंड हाइड्रेशन इज अ मस्ट, इंकरेज करें अ न्यूट्रिशियस डाइट जो सपोर्ट करता है इम्यून सिस्टम को। इंश्योर करें कि वो पिए एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, ताकि वो हाइड्रेटेड रहे, क्योंकि एसेंशियल रहता है फॉर ओवरऑल हेल्थ। 7 है मेडिकेशन कंप्लायंस, रिमाइंड करें अपने घर के बुजुर्गों को कि वो मिस ना करें एनी प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस। कंसिस्टेंसी इज नेसेसरी, एक क्रूशियल रहता है, ताकि वो मैनेज कर पाए अपने क्रॉनिक कंडीशंस को। इन केस कोई भी हेल्थ इश्यूज आता है तो इमीडिएटली कंसल्ट करें अपने नियरेस्ट फिजिशियन को, और पोटेंशियल एडजस्टमेंट्स किए जाएंगे उनके मेडिकेशन रेजिमेन में। क्या कहना आपका इसके बारे में, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।